हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से 5-4 इजी सिंपल सेल्फ हेयर स्टाइल छोटे बालों के लिए और खुले बालों के लिए, कॉलेज गर्ल्स कुर्ती के लिए, साड़ी के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ये है लिपस्टिक जो कि बहुत ही अच्छा है, ये बुलेट लिपस्टिक जैसा है अप्लाई करने में और मैट फिनिश देता है ये आपको यूज करके। 24 घंटे के लिए आपके लिप्स पे ऐसे ही रहेगा, निकलता नहीं है बिल्कुल भी, ट्रांसफ़र नहीं होता। और अप्लाई करने में बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको अप्लाई कर लोगे अपने लिप्स पे। जैसे बुलेट लिपस्टिक, मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक आप यूज़ करते हो तो फटाफट लग जाता है, मेट लिपस्टिक की तरफ दिक्कतें नहीं आती हैं और बाद में ये मेट हो जाता है जो कि आपके स्किन ट्रांसफ़र नहीं होता है कहीं भी। तो आप इसको इजीली ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। देखिए बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो आप इसको ले सकते हो। लगाने में बहुत बुलेट लिपस्टिक की तरह, मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक की तरह लुक दिखता है इसका, बट ये मेट फिनिश देता है और मैं इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। हर शेड का अवेलेबल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और मेरा सेकंड चैनल है, मेरी वेबसाइट लिंक है, वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस पतले वाले रबड़ बैंड की मदद से मैं आपको आज हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। तो दोनों साइड से इस तरीके से हेयर को ले रही हूँ मैं, दोनों साइड से इस तरीके से, और एक पतला वाला रबड़ बैंड लूँगी और यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगी। सॉरी गाइज, माइक ऑफ हो गया था। तो इस तरीके से रबड़ बैंड को लगा लेंगे, ओके। ऐसे लगाने के बाद से ट्विस्ट करेंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली साइड से थोड़ा सा हेयर लेना है और इस तरीके से इधर से खींच लेंगे। अगेन नीचे से इस तरीके से करेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे, ओके। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड लेके जाएंगे, इस तरीके से फिंगर को डालेंगे और लेयर को पकड़ेंगे एंड नीचे की तरफ खींचेंगे। इस साइड का भी जो हमने सॉरी गलत हो गया था, इधर से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और लेयर को पकड़ेंगे और ऐसे खींच लेंगे, ओके। टाइट करेंगे और जो हमने ये पोनी का हेयर था इसके साथ इसको पकड़ेंगे और एक रबड़ बैंड और यहाँ पे लगा देंगे। और ये खुले बालों के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है, बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो कैसा लग रहा है गाइस, आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो और है ना बहुत इजी, तो आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल सेंटर पार्टीशन के लिए, खुले बालों के लिए, छोटे बालों के लिए। आपके शोल्डर लेंथ तक हेयर है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो और बहुत इजीली बना सकते हो और बहुत स्टाइलिश लगेगा। साड़ी के लिए भी बेस्ट रहेगा, कुर्ती के लिए बेस्ट रहेगा, इंडियन वेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा अभी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहते हो आप, तो एक आप यू पिन ले लीजिए और इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से सटा के आपस में और यू पिन लगा दीजिएगा, जिससे कि ये हार्ट का शेप बन जाएगा और भी प्यारा लगेगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ, बाद में याद आया तो मुझे बता दिया। तो सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए क्या करेंगे, फ्रंट से मैं हेयर इस तरीके से ले रही हूँ ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही हेयर लेना है इस तरीके से, ओके। यहाँ पे आपको एक रबड़ बैंड लगाना है इस तरीके से एंड थोड़ा थोड़ा सा खींच लेना है हेयर को। ओके,
इसके बाद आपको क्या करना है, रबर बैंड को थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर अगेन खींच लेंगे और दोनों साइड से हेयर को थोड़ा थोड़ा हेयर का पार्ट लेंगे ऐसे। ओके, आपस में इसको नॉट लगा देंगे। रबर बैंड के जस्ट ऊपर इसको रखना है नॉट लगा के, और यू पिन आप रबर बैंड के ऊपर जरूर लगाएगा, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा नहीं लगेगा। अगेन एक नॉट लगाएंगे। फिर से एक नोट लगाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देंगे। इतना करने के बाद से आपको अगेन नॉट लगाना है। साइड से लेयर लेके इसके साथ मिक्स कर देंगे, दूसरी साइड से लेयर लेंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे। फिर से आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है। ओके, और यहाँ पे आपको रबर बैंड लगा देना है। और ये आपका ऊपर ना जाए इसके लिए आप इसको यू पिन से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप खुले बालों में ट्राई कर सकते हो। अगर आपका फोरहेड बहुत छोटा है तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा लगेगा और बहुत इजीली आप इसको बना लोगे। तो ये था हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल जो कि बहुत इजी एंड छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ, और ये भी जरूर ट्राई कीजिएगा कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कीजिए और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज किया कीजिए कि आपको और कितने टाइप के हेयर स्टाइल देखने हैं। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल अगेन सेंटर पार्टीशन से करेंगे। यहाँ से आपको इतने हेयर लेने हैं, ऊपर की तरफ इसको कॉम करके ले जाएंगे। जब भी आप ट्विस्टिंग कर रहे हो, और इजी तरीका है ये बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग करने का, सिंपली ऊपर से ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और नीचे तक ट्विस्ट करते हुए ले आइए। ओके, इस तरीके से करोगे तो आपकी ट्विस्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगेगी और बहुत आसानी से आप बना लोगे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए सिक्योर कर रही हूँ ताकि मैं दूसरी साइड भी अपना ट्विस्टिंग कंप्लीट कर पाऊँ। आप चाहो तो क्लिप लगा के भी छोड़ सकते हो, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊँगी इसमें।
ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है और यहाँ से ही ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देना है। ओके अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। बैक साइड में लेके जाएंगे, दोनों ट्विस्टिंग को एक साथ ले लेंगे। खोल दीजिए, कैमरे में नहीं दिखेंगे। खोल दीजिए, कैमरे में नहीं दिखेंगे आप। तो दोनों ट्विस्टिंग को एक साथ लेके यहाँ पे ट्विस्ट कर देंगे। और टाइट कर लेंगे। इतना करने के बाद से आपको लेना है साइड से थोड़ा सा सेक्शन, बंद कर दीजिएगा कभी नहीं। और इधर से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और इसको निकाल देंगे। ओके दूसरी साइड से भी लेंगे और फिंगर को इंसर्ट करेंगे और निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इसको फैला देंगे जिससे कि हमारा जो रबड़ बैंड है वो हाइड हो जाए। रबड़ बैंड को खींच लेंगे और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, खुले बालों के लिए और छोटे बालों के लिए। और ट्विस्टिंग करने का बहुत इजी तरीका है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हेयर स्टाइल है ये भी आप साड़ी पे कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। लेस निकालने हो तो आप पहले ही निकाल लीजिएगा अगर आपके फेस पे सूट करता है, बट जिसके भी छोटा फोरहेड है, ये माथा बहुत छोटा है, उनको लेस निकालने का एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि लेस निकालने के वजह से आपका जो फेस है और ज़्यादा कट हो जाता है और छोटा दिखता है। बड़े फेस वाले लेयर्स निकालिए, उन पे काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। बस छोटा फोरहेड है तो आप लेयर्स निकालना स्किप करिए, और निकालना भी है तो साइड से निकालिए ताकि आपका ये चीज़ कट हो, ये चीज़ कट ना हो। ओके तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में अगेन ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पे रबड़ को लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरीके, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से रबड़ बैंड को लगा लिया है। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से ओपन करेंगे और रबड़ बैंड को नीचे की तरफ ट्विस्ट कर देंगे और टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद से यहाँ पे आपका कुछ फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से, तो आप यहाँ पे खींच सकते हो हेयर को और अगेन पफ का लुक दे सकते हो। ओके अब आपको साइड से हेयर को लेना है, दोनों साइड से। और जहाँ पे आपका रबड़ बैंड है जस्ट वहीं पे एक और रबड़ बैंड लेंगे और लगा देंगे। इसको भी ट्विस्ट कर देंगे और टाइट कर देंगे। थर्ड लेयर लेंगे, फिर से टाइट कर देंगे। चाहो तो इतने पे छोड़ सकते हो और चाहो तो नीचे तक कर सकते हो आप यही हेयर स्टाइल, तो मैं इतने पे ही छोड़ रही हूँ। ये वाला हेयर स्टाइल भी काफ़ी इजी है और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, आपके फ्रंट से आपके बालों को अच्छे से मैनेज करके रखता है और बैक से भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको चारों में से कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और आप ट्राई जरूर कीजिएगा, इजीली आपसे हो जाएगा ये हेयर स्टाइल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और लिपस्टिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो जाके
बाय जरूर कर लीजिएगा। मेरे वेबसाइट पे जरूर जाइए, वेबसाइट पे जाके आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट देखने को मिलेगी, जो मेरा सेकंड चैनल पे है, एंड इस चैनल पे भी जो लेटेस्ट हेयर स्टाइल है जो कि ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उस टाइप की वीडियो। और ये देखिए वीडियो बनाते बनाते मेरी लिपस्टिक अच्छे से ड्राई हो चुकी है और बिल्कुल भी फिंगर में नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।